का जोरबा तुम्हें पुकार रहा है। अपनी काली बिजलियों को मेरी धमनियों में गोंदने दो। अपनी असीम शक्ति से मुझे सींच दो। अपनी काली ऊर्जा मेरे अंदर भर दो। मैं इस दुनिया पर छा जाना चाहता हूं। मैं सबसे शक्तिशाली आदमी बनना चाहता हूं। आओ किया। नमस्ते जी, मेरा नाम खुराना है। मैं खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। माफी चाहता हूँ मालिक, गलती मेरी नहीं है। मैंने इन्हें बहुत रोका लेकिन ये जबरदस्ती अंदर घुसा है। गलती माफ हो मालिक। तो चुप रहोगे ना, मुझे बोलने दोगे कि नहीं? देखिए, कल मेरे 7 साल बेटे की सालगिरह है। मैं उसके मनोरंजन के लिए आपको हायर करने आया हूँ। तूने मुझे सड़क का मदारी समझ रखा है। अपने 2 कौड़ी की दावत के मनोरंजन के लिए तूने मेरा ध्यान बंद कर दिया। मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। ये अपना पैसा देखा है कभी तुमने? तू मुझे इससे खरीदना चाहता है। मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। अगर तुम्हें ये कम लगता है तो ऐसी 2 बेटियां बाहर मेरी गाड़ी में और रखी है। बोलो, क्या बोलते हो? कीमत पूछता है। बताता हूं, तूने मेरा ध्यान भंग किया है। मैं तुझसे कीमत लूंगा। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी दे सकता हूं। बोलो, क्या चाहिए? तेरी मौत यही कीमत है। मेरी मौत? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तेरी मौत तो तेरी खैर नहीं, समझा? जा। जी मालिक। जो मेरा ध्यान भंग करेगा पछताएगा। मुझसे कोई जीत नहीं सकता। मैं सबसे ताकतवर हूँ। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू योर मनपसंद चैनल LCA, यानी कि लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म एक्टर, नाम बताओ? सही पहचाना आपने, रूप कुमार जी। रूप कुमार जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन जुबिली सुपरस्टार है और हाईएस्ट पेड एक्टर भी। कहीं इनकम टैक्स वालों ने तो नहीं सुन लिया ना? तो रूप कुमार जी, एक जमाना ऐसा था जब आप सुपरस्टारों के सुपरस्टार थे, सुपरस्टार आजम। पर अब वो जमाना नहीं रहा। आपकी 5-5 फिल्में फ्लॉप हो गई है और आपके नाम से आजकल फिल्में भी नहीं चलती। इसका रीजन? ये आपकी गलत खबर है। कौन कहता कि मेरी 5 फिल्में फ्लॉप रही है? भाई, सुहागरात ने तो बहुत बिजनेस किया। हाँ, बहुत नहीं रूप कुमार जी, थोड़ा बहुत। और वो भी माफ कीजिएगा, आपके उस फिल्म के गाने बहुत हिट थे। मैं जानता हूँ कि गाने बहुत हिट थे, लेकिन उसमें एक्टिंग किसने की थी? मैंने ही ना। और मेरी दूसरी फिल्म जान का दुश्मन लीजिए, वो भी बहुत चली, बहुत बिजनेस किया उसने। हाँ, एक मिनट। बॉम्बे टेरिटरी में पिछले हफ्ते 36% कमाए, दिल्ली में 41% कमाए, मतलब फ्लॉप ही हो गई ना। ये आपके कहाँ के स्टैटिस्टिक्स हैं? ये कहाँ के? अरे, पटना में तो हाउसफुल रहे, बकौला में भी हाउसफुल रहे, ठीक है मेट्रो सिटीज में थोड़े से नहीं रहे, लेकिन इससे क्या? भाई, मैं आम जनता का एक्टर हूँ, 8 फिल्मों का एक्टर नहीं हूँ मैं। लेकिन आम जनता भी आजकल आपकी फिल्में नहीं देखती और रोमांटिक हीरो वाली इमेज आपकी एकदम धुंधली सी पड़ गई है। क्या बकवास कर रही है आप जानती है किससे बात कर रही है? आपकी पिछली हीरोइन वो रोहिणी, हाँ, उसने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा कि वो पूरी शूटिंग के दौरान आपको अंकल अंकल करके बुला रही थी। देखिए, आपकी बकवास में टॉलरेट नहीं करूँगा। आप जानती हैं, आप मुझे यहाँ पर इंटरव्यू करने आई है, मेरी इंसल्ट करने आई है। एक बात तो पूछना मैं भूल ही गई, आपकी 3 फिल्में नहीं तैयार हुई है जो कि कैन में ऐसे ही पड़ी है क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल रहा है। देखिए, आपके बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगा। चलिए, पर्दे पर नायक तो क्या असली जीवन में खलना है? और कब तक?
ये तो समय ही बताएगा, जो उन्हें छोड़कर काफी आगे निकला जा रहा है। लेकिन रूप कुमार जी अभी तक चिंता मत कीजिए, इस प्रोग्राम को कोई नहीं देखता, इसकी टीआरपी नहीं है, इसलिए जो कुछ हुआ किसी ने नहीं देखा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम आइंदा कभी लेके नहीं आना इनको मेरे पास, कभी नहीं आना। आप तो सर कल की मीटिंग के बारे में सोचिए, डेडिया साहब के साथ कल मीटिंग है 10 बजे, बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं वो, और मैंने सर उड़ते उड़ते सुना है कि वो रोल बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सर ये रोल आपको मिल जाए तो बस। ना, सुना तो मैंने भी है, मैं भी चाहता हूं कि ये रोल मुझे मिल जाए। आप समझ नहीं रहे रूप भाई, ये रोल आपका है ही नहीं। डेढ़िया भाई, 15 साल के अपने करियर में मैं पहली बार किसी के पास रोल मांगने आया हूं। रूप कुमार खुद आपके पास रोल मांगने के लिए आया। देखिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, कौन प्रोड्यूसर ऐसा होगा जो आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा? लेकिन आप रोमांटिक हीरो हैं और मेरी फिल्म का रोल जो है एकदम नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव। मुझे मालूम है, मुझे आपकी स्टोरी का आइडिया भी मालूम है। आइडिया? ये रोल मुझे पसंद है, इसीलिए मैं आपके पास आया। लेकिन ये रोल 100% विलन का है, न हीरोइन है न गाने हैं, ऐसे रोल में पब्लिक आपको कैसे स्वीकार करेगी? स्वीकार करेगी, करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैं इस रोल को अलग तरीके से पेश करूंगा। अपना विलन कोई मामूली विलन नहीं होगा, उसका एक अपना स्टाइल होगा। स्टाइल? मैं को समझा नहीं भाई। अपना विलन शेरा अलग तरीके से काम करेगा, वो शुरू में 3 वार्निंग देगा, पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग और तीसरी वार्निंग, उसके बाद वो फिर स्ट्राइक करेगा। 3 वार्निंग, उससे क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा, सस्पेंस बिल्डअप होगा, यहाँ शिकार को मालूम होगा कि मौत उसका पीछा कर रही है, वो पहली वार्निंग के बाद में घबरा जाएगा, दूसरी वार्निंग के बाद में वो पुलिस प्रोटेक्शन मांगेगा, और तीसरी वार्निंग के बाद में वो डेस्परेट हो जाएगा और शहर को छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, तब शेरा उस पे वार करेगा। शेरा जो कहता है करता है, he's a super villain. Excellent. ब्रिलियंट, आइडिया में दम है। थैंक यू डेडेवा, थैंक यू। लेकिन लेकिन क्या रूप भाई, क्या है कि मैं इस रोल के लिए किसी और को कह चुका हूं, ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं, अगली फिल्म मैं आपके साथ करूंगा पक्का। डेडे भाई, मैं जानता हूं कि मैं फ्लॉप हो चुका हूं, लोग मुझे अब हीरो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी पिछली 5 फिल्में जबरदस्त फ्लॉप रही है, आप लोगों को बहुत घाटा सहना पड़ा है, इसलिए मैं अपना ट्रैक चेंज करना चाहता हूं, मैं हीरो से विलन बनना चाहता हूं। डेढ़े भाई, डेढ़े भाई, मैं किसी के पास काम मांगने गया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है मुझमें, हिम्मत को जुटाने के लिए मैंने थोड़ी सी पी ली है, लेकिन नहीं, मैं अल्कोहलिक नहीं हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं हूं, माफी चाहता हूं। मेरे भाई, मुझे ये रोल पसंद है, मैं इसको बहुत अच्छा करूंगा, मेरी जिंदगी का ये बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। हाँ, हो सकता है कि मैं आपको कन्विंस नहीं कर सका हूं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ और सोचूंगा और आपको आके कन्विंस करूंगा, क्योंकि इस रोल पे मैंने हाथ रख दिया। कल फिर नहीं पहचाना ना बढ़िया भाई? रुक कुमार जी, मैंने बड़े बड़े कलाकार देखे, लेकिन आप जैसा नहीं देखा।
मैं कन्विंस हो गया कि इस रोल को पाने के लिए आप कुछ भी करें जरूर कुमार जी। रूपवान है शेरा, इसका आधा चेहरा और आधा शरीर एक बम विस्फोट में झुलस गया है। उसका सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि दिमाग भी सड़ा हुआ है। इस दुनिया का खूंखार और खतरनाक दरिंदा शेरा। बस यार बस, हार्ट अटैक हो जाएगा। कैसा लगा मेरा एक्टिंग का अप्रोच? सर रोल आपका हो गया। ओहो, मुझे मालूम था मेरा भाई। थैंक यू वेरी मच, मुझे मालूम था ये रोल मेरा ही है। मुबारक हो सर, मुबारक हो। थैंक यू परेश। अच्छा बाकी की बात है आप परेश से कर लीजिएगा। परेश मैं बंगले में इंतजार करता हूँ। बिल्कुल सर। ओके डेडी साहब, थैंक यू। ओके सर, सी यू। तो डेडी साहब, रोल आपने रूप कुमार जी को दे ही दिया। हाँ भाई, देना ही पड़ा, बहुत सिंसियर आर्टिस्ट है, बस जरा संभालना। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल, बस आप तो मुहूर्त अब बहुत जल्दी से निकलवा लीजिए। मुहूर्त तो इस पिक्चर का एक ही आदमी करेगा, जिसने मेरी सारी पिक्चरों का मुहूर्त किया है और मेरी सारी पिक्चरें सुपर हिट रही हैं, वो है महान तांत्रिक जोरबा। मैं नाम बता दूं। परेश सब, एक घंटा ऊपर हो गया, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कहाँ है वो तुम्हारे? रूप कुमार जी। सर वो अभी अभी मोबाइल पर बात हुई है, वो आते ही होंगे बस। अरे कब आएंगे? सर आप तो जानते हैं, रूप कुमार जी। लेकिन ये जोरबाजी महाराज, इनका क्या करूँ, इनको क्या कहूँ? अरे अभी तक तो मूड ठीक है, अगर मूड बिगड़ गया तो मैं क्या करूँगा? देखता रहता हूँ। आपके हीरो साहब कब आएंगे? बस मैं और ज्यादा देर नहीं ठहर सकता महाराज, बस पहुंचते ही होंगे, बस 5 मिनट और रुकिए, मैं अभी ला दूं। ओहो, रूप कुमार जी इज हियर। ये तो पहले से ही पी हुए लग रहे हैं, जरा संभाल लें। भाई हम 5 करोड़ की फिल्म कर रहे हैं और ये लो बजट फिल्म की तरह पार्टी दे रहा है। मैं कंजूस हो गया, बहुत कंजूस हो गया। परेश जी, इनको नींबू पानी पिलाओ। बेटा नींबू पानी। परेश हम ओके ओके। तेरे मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि तुझे बहुत बड़ी पूंजी हासिल होने वाली है। आश्चर्य मत कर, ये सच होगा। तेरे सपने में कोई ऐसा ही व्यक्ति आया है। ये सब लोग बहुत वहां की जा रहे हैं। कौन है वो आज? जी महाराज, बहुत बड़े तांत्रिक है, पहुंचे हुए इंसान है, बड़ी मुश्किल से जा रहा है। अरे पार्टी मेरे पिक्चर की है, हैं, और लोग वहां जा रहे हैं, मैं भी देखूं वो कौन है वो तांत्रिक। तुम लोग पागल हो गया क्या? रूप कुमार खुद इधर खड़ा है तुम लोगों के सामने और आप लोग इस ढोंगे के सामने खड़े हो। ढोंगी कह रहा है? तू मेरा अपमान कर रहा है। कौन थे ये? मुझे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? अरे मैं रूप कुमार, सुपर स्टार रूप कुमार, इस देश की जनता की आंखों का तारा। मुझे पूछ रहा है कि कौन है? जंगल से आया तू? हाँ, तू जोरबा के सामने खड़ा है नादान बालक, अपनी जुबान को लगाम दे वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या लगा दो? क्या लगा? अरे ये कॉस्ट्यूम पहन के तो कोई भी तांत्रिक बन सकता है। बस तुम्हें यहां बुलाकर मेरा अपमान किया है, मैं यहां सब तहस तहस कर दूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, ये अनजाने में आपका अपमान कर बैठा,
ये होश में नहीं है। क्षमा महाराज क्षमा। भाई क्या इस ठोंगी के पैरों में गिर के अपने नाक को लगा रहे हो? ये घड़िया ट्रिक तो कोई भी कर सकता है, रास्ते का जादूगर भी कर सकता है। तुम क्या समझते हो मैं डर जाऊंगा तुमसे? तू होश, तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं। बहुत बड़ा नेता बनता है, तू अपने अहंकार की कीमत चुकाएगा। तूने जो मेरा अपमान किया है उसका पूरा मूल्य चुकाना होगा। तू अपने आप को बहुत बड़ा अभिनेता समझता है, तो ठीक है, तू अपने ढंग से मूल्य चुकाएगा। याद है त्रिलोक का बादशाह रूप कुमार अपने एक नए रूप में शेरा बनकर लोगों के दिलों में आतंक पैदा करेगा, आतंक पैदा करेगा। तूने मेरा अपमान किया है रूप कुमार, मैंने तुझे वचन दिया था कि पूरी कीमत वसूल करूंगा। अरे घर में कोई है कि नहीं है? ये लाइट क्यों आप रखी है? पिक्चर हमें सब चिंतक। एक देखने शेरा के लिए मजाक है? अरे भाई शेरा के लिए जो हमने खंजर खरीदा था वो यहाँ मेरी कुर्सी में किसी ने छुपाया है, और साथ में कुछ एक नोट है चेतावनी का। हाँ क्या आपको नहीं मालूम? नहीं 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 डेढ़ा भाई दारू नहीं, मैंने आज दारू को हाथ नहीं लगाया डेढ़ा भाई। क्या अच्छा आपको कुछ नहीं मालूम? ठीक है सॉरी हाँ इतनी रात को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं चिंता मत कीजिएगा, मैं खुद कल पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। मैं हाँ देखता हूँ मैं। ओके गुड नाइट। हाँ मुझे तो नहीं लगता ये कोई सीरियस मामला है मिस्टर रूप कुमार। अरे मुझे जान की धमकी दी गई और आप कह रहे हैं कि ये सीरियस मामला नहीं है। देखिए मिस्टर रूप कुमार, मैं समझ सकता हूँ एक नई फिल्म लॉन्च हुई है तो करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, तो थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो चाहिए ही ना। आप कह रहे हैं क्या चाहते क्या कहना चाहते लेकिन हो सके तो अगली बार पब्लिसिटी के लिए कोई नया रास्ता इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जब मेरी लाश मिलेगी तभी आपको यकीन होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। ये तो आज मेरे घर में हुआ, कल अगर बाहर होगा तो। सर 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 छोड़िए सर, जाने दीजिए। मुझे लगता है ये किसी पागल या फिर सिरफिरे का काम हो सकता है। नहीं सर 12 बज रहे हैं, वहां शूटिंग पर 10 बजे से सब लोग वेट कर रहे हैं। चलिए ना प्लीज। क्या बकवास डिजाइन है ये, बिल्कुल बकवास। यार मेरे सामान मंगा रखा है से ज्यादा, सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा एडजस्ट करो ना यार, तुमको तो एक्टिंग करनी है, सेटबैक से क्या तुमको लेना। क्या एडजस्ट करो डेडिया भाई, अरे हम लोग 5 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, कोई 5 रुपए की फिल्म थोड़ी बना रहे। ठीक है भाई ये सेट कैंसिल, नया बनवाएंगे। ठीक ये हुई ना बात। अगर ये मेरे ऊपर गिरती मैं तो मर ही जाता रहने भाई। किसे किया ये? कौन है ऊपर? अरे रो भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको चोट नहीं आई। अरे लाइट मैन कौन है ऊपर? देखिए कितनी भारी है, अगर मेरे सर पे गिर गया तो मेरा तो सर ही भर गया होता। देखिए ये देखिए। तो ठीक है लेकिन ये क्या है? हाँ ये क्या
रूप कुमार तुम्हारी दूसरी चेतावनी, तुम्हारा शुभ चिंतक, मुझे इंस्पेक्टर गोरबोले से फौरन बात करनी है। अब डरने की कोई बात नहीं, चार बैग्स पोस्ट कर रखे, दो घर के सामने और दो पीछे, कोई अंदर नहीं आ सकता, आप इत्मीनान से सो जाइए। मुझे ज्यादा गार्ड्स नहीं मिल सकते क्या? देखिए मिस्टर रूप कुमार, ये पुलिस फोर्स है, किसी प्राइवेट बॉडीगार्ड्स की कंपनी नहीं, और चार भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जिद कर रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। हाँ हाँ, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मेरी जान खतरे में है, मुझे चाहिए बॉडीगार्ड्स। देखिए लाइट आपके सर पर नहीं गिरी, जहाँ पर आप खड़े थे वहां से काफी दूर पर लाइट गिरी थी। अगर लाइट मेरे सर पे गिरते तभी आप छानबीन करते क्यों? आप तो सामने ही थे ना, यदि किसी को आपको सचमुच ही मारना था तो जरूर मार सकता था, लेकिन उसने आपको नहीं मारा। उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये उसकी दूसरी वार्निंग थी। ठीक वैसी वार्निंग ना जैसे आपके शेरावाली फिल्म में दी जाती। देखिए मिस्टर रूप कुमार, मुझे तो ये किसी घटिया बी ग्रेड फिल्म की कहानी लगती। गुड नाइट मिस्टर रूप कुमार। सुनो ठीक तरह से पहरा देना, ओके? और अंदर जो रूप कुमार बैठा है ना उस पर भी जरा ठीक तरह से ध्यान देना, ओके? क्यों नहीं हो सकता? आखिर तुम्ही ने तो मुझमें जान फूंकी थी, ये आकार, ये लिबास, ये तुम्ही ने तो दिया था, हाँ? आज तुम्हारे सामने है तुम्हारा चेहरा, तो कैसा लगता है? ये मेरा आधा जला हुआ चेहरा, आधा जिस्म जो बम ब्लास्ट में झुलस गया था, ये भी तो तुम्ही ने दिया था। आओ नजदीक आओ और देखो मुझे, और नजदीक आओ और मेरे मन में झांक के देखो, मेरा मन मेरे चेहरे से भी ज्यादा भयानक है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि जिस रोल पे तुमने इतनी मेहनत की थी वह जिंदा होके तुम्हारे सामने खड़ा है। दिल में एक ही मकसद भी है। वो क्या? तुम्हें जान से मारने के लिए। मगर क्यों, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? याद करो, याद करो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है। प्लीज मुझे मत मार दो। तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, ये तो तुम्हारी तीसरी वार्निंग है, लास्ट वार्निंग। तुम्हें तीन वार्निंग चाहिए थी ना, अब इसके बाद जब मिलेंगे तब तुम्हारा गला काट दूंगा। हाँ शेरा, मेरी फिल्म का वो रोल न जाने कहां से जिंदा हो गया है। डॉक्टर साहब वो मुझे जान से मार डालेगा, सभी कह रहे कि मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूं, कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं। क्या? हाँ? आपको मेरी बात का यकीन है ना? मिस्टर रूप, मुझे यकीन है कि आपको किसी तरह का कुछ भ्रम हुआ है कि आपने उसे देखा है। मतलब? देखो एक एक्टर का काम बहुत टेंशन वाला है, हर रोज उसे एक नया करेक्टर प्ले करना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी दबाकर दूसरे की पर्सनैलिटी अपनानी पड़ती है। अच्छा अभी तक आपने कितने रोल्स किए हैं? ये
यही कोई 100-150 के करीब तो किए होंगे। 100-150 और हर बार आपको ये भूलना पड़ा होगा कि आप एक एक्टर रूप कुमार हैं। आपकी आधी जिंदगी तो झूठ को सच करने में निकल जाती है। कितने सपनों में जीना पड़ता है आपको। और कई बार बहुत से एक्टर्स ये विश्वास करने लगते हैं कि वो सपने सच हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं पागल हो गया? पागल हो गया मैं डॉक्टर साहब? नहीं, तुम पागल नहीं हुए हो, मगर मगर क्या? देखो रूप, तुम्हारा करियर यू नो राइट नाउ इट्स नॉट इन अ गुड शेप, डामाडोल हो रहा है। तुम चाहते हो कि तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ, इसलिए शायद शेरा तुम्हें एक सच लगता है। वेरस शेरा तुम्हारे दिमाग की उपज है, वो तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? मगर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी सजेशन है कि तुम्हें 1-2 हफ्ते ब्रेक की जरूरत है। वसई में एक रिजॉर्ट कम हॉस्पिटल है जो कि एक होटल की तरह है, शांत वातावरण है, वहां चले जाइए, आराम कीजिए, ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जरूरत पड़ने पर दवाई भी मिल सकती है। सूरज जल्दी करो ना, जाकर ब्रिटिश कार्ड रखो जल्दी, और सुनो आइस बॉक्स लेकर आना अंदर से, जल्दी करो। परेश, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहां गया हूं, अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं लंदन गया हूं। ओके सर, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, खास तौर से शेरा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कहां गया हूं। कहां कहां छुप कर जाओगे रूप कुमार? शेरा उठ, उठ शेरा, आ इधर आ, देख। नहीं मालूम चलेगा सर। देखो अलर्ट रहना, वो मेरा भेष बदल के आ भी सकता है। ओके सर, किसी को मालूम नहीं चलेगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके ओके बाबा। हमारा दुश्मन हमसे छुपकर वसई भाग रहा है। अरे भागने दो सरकार, भागने दो, देखते कहां तक भाग के जाता है। अब वक्त आ चुका है शेरा, जा अपना काम कर। अब परेश, मैं रूप बोल रहा हूं, यही वसई के रिसोर्ट से 4 दिन में बिल्कुल फिट हो गया हूं। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। अरे शेरा मेरा सब भाग गया, जड़े भाई का फोन आया था, अरे उनसे कहना कि शूटिंग के पहले मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, वो फिक्र ना करें। और कुछ और मैसेजेस वगैरह? चलो ओके ओके बाय बाय। हाँ, तुम लोग अंदर जाके जरा सोना तैयार करो, मैं सुन करके आता हूँ। सुनो सुनो, कितनी बढ़िया जगह है ये, बेस्ट। पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं लगाना। लेकिन यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैं छूट बोल रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, खिलाफ किसी को जल्दी बॉडीगार्ड लाओ। सर ये अस्पताल है, यहाँ बॉडीगार्ड नहीं आ सकते। डॉक्टर को बुलाओ, बुलाओ किसी को। ओके सर। सर, शहर की सबसे अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी से आपके लिए बॉडीगार्ड्स मंगवा ली है, वो 24 घंटे आपके साथ रहेंगे और किसी को आपके नजदीक नहीं आने देंगे, बस आप पूरी तरह से सेफ हैं।
पर रेश मैं एक स्टार हूं, स्टार। मैं हमेशा लोगों के साथ में गिरा हुआ रहता हूं। अब तो शूटिंग भी शुरू होने वाली है, ये बॉडीगार्ड मुझे कब तक बचाएंगे, कब तक? ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्या किया मैंने? हाँ शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कौन है? किसने अंदर आने दिया तुम्हें? हटो यहां से, बाहर जाओ। सर ये कौन है, कौन परेश? सर ये औरत अपने आप को जादूगर नहीं बताती, कहती है आप पर किसी ने कुछ जादू टोना किया है या कोई भूत प्रेत का मामला, और सुबह से बाहर बैठी है सर, जाने का नाम ही नहीं लेती। अब जाइए मैडम, प्लीज आप। मैंने ठीक ही सोचा है, तुम्हारी परछाई बता रही है कि तुम्हारे ऊपर किसी का श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हारा वहम नहीं है, वो सचमुच हो रहा है। तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। सर आप सौरत की बातों में मत आइए, ये ऐसे ही कुछ है। परेश एक मिनट, किसने मुझ पर क्या किया, क्यों किया है? क्या आप मुझे इससे छुटकारा दिलवा सकती है? नहीं, जिसने तुम पर ये टोना किया है वो मुझसे कई हजार गुना ताकतवर है, इसको वही उतार सकता है। अच्छी तरह से याद करो, हाल ही में तुम किसी साधु संत से मिले थे। साधु संत? इस इंडस्ट्री में कहां से साधु संत मिलेंगे? या फिर कोई फकीर या तांत्रिक जिसके हाथ में शक्तियां हैं। परेश वो कहां था जिसके साथ में हमारी झड़प हुई थी पार्टी में, मुहूर्त में? जोरबा। जोरबा, जोरबा, फिर तो तुम बहुत ही गलत आदमी के चंगुल में फंसे हो। उसके काटे का कोई इलाज नहीं, उसका एक ही रास्ता है, फौरन जाके उससे माफी मांग लो, वही तुम्हें इससे बचा सकता है। तुम मुझे क्यों मार देना चाहते हो, मेरी जान के पीछे क्यों पड़ो? जो टोना तुमने मुझ पे किया उसे फौरन निकाल दो। मैंने कुछ नहीं किया है, स्वयं तेरा किया हुआ है। शेरा मेरी नहीं, तेरी कल्पना का फल है। हाँ मैंने तो शेरा का रोल तैयार किया था, लेकिन तुमने तो उसमें जान डाल दी ना, उसने मेरी जान के पीछे लगा दिया। अब तो श्राप वापस ले लो। तू तो महान कलाकार है ना, तू तो इस श्राप से मुक्ति का रास्ता खुद ही तलाश कर। तो तुम अपना श्राप वापस ले लोगे? नहीं लूंगा। मुझे धमकी दे रहा है, मैं ले सकता हूं, छोड़ो मुझे। जो हाथ में है उसे गिरा दे। तेरा अहंकार अभी गया नहीं है, रस्सी जल गई मगर रेस्ट नहीं गया। मुझे अपनी इस अहंकार का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो तू अपना श्राप वापस नहीं लेगा? नहीं लूंगा। ठीक है, होगा तू बहुत बड़ा, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूं। देखता हूँ शेरा मेरा क्या बिगाड़ लेता है, देखता हूँ मैं। ये बात? हाँ, शेरा मेरे दिमाग की उपज है, अगर वो चतुर और चालाक है तो मैं उससे 100% ज्यादा चतुर और चालाक हूँ। शेरा मुझे मार डाले उससे पहले मैं शेरा को ही मार डालूंगा। ये भी कोशिश करके देख ले, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है नादान? देखते हैं कौन किसकी मौत को दावत देता है। शेरा को मारने के बाद में मैं तुझे भी आके देख लूंगा, देख लूंगा मैं तुझे। यस हाँ हाँ डेडिया साहब, बोलिए बोलिए। क्या बात कर रहे हैं, 100% श्योर? हाँ कन्फर्म, हाँ सुबह 9 बजे पहुंच जाएगी। अरे भाई मैं ले आऊंगा। हाँ सीन पढ़ लिया उन्होंने, ओके गुड नाइट। सर ये क्या कर रहे हैं आप, पिस्तौल किसके लिए? उस शेरा के बच्चे के लिए, आने दो उसे, निपट लूंगा उसे। अरे जो भी करना है आपको कर लीजिएगा, पर कल सुबह 9 बजे शिफ्ट है आपका। अभी डेडिया साहब का फोन आया था। परेश मैं तैयार हूँ, चाहे शूटिंग हो चाहे शेरा हो, दोनों को निपट लूंगा मैं। Yeah.
बोल। हुक्म मालिक, वक्त आ चुका है। मैं आपका गुलाम हूं, काम अंजाम दूंगा। कल सुबह 9 बजे मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां शूटिंग हो रही है। अरे भाई लक्ष्मण, क्या बात है, अब तक सोए हुए हो? हाँ, चाय वाय पिलाओ, चलो उठो, बहुत दिनों बाद में शूटिंग। परेश, इतनी सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग परेश। गुड मॉर्निंग सर। 12 बज गए। माय गॉड, मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? ना ब्रेकफास्ट ना चाय। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट चाय वगैरह को छोड़ो, जो सीन हमें जो शूट करना है वो तुम मुझे अभी भेजो, मैं तैयार हो गया रहा हूं। और परेश सुनो, ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी निकाले, बहुत दिनों बाद शूटिंग में निकला है। क्या, लेकिन ये मुझे घूर के क्या देख रहे हो तुम? हां सर, सीन तो मैंने आपको सुबह दे दिया, और उसके बाद मैं आपको वहां शूटिंग पर छोड़कर आ रहा हूं गाड़ी में, और फिर आपके ही वो जरूरी कागज लेने मैं यहां पर आया हूं, और आप यहां पर क्या क्या कर रहे हो? मैं शूटिंग पे गया था, पागल हो गए क्या तुम? सर यकीन कीजिए, मैं यहां पर आपका वेट कर रहा था। 9 बजे की शिफ्ट, 8:45 पर आप नीचे आए, मैंने गाड़ी में बैठाया और शूटिंग पर छोड़कर आया हूं। 8:45 पर मैं नीचे आया तो अच्छा परेश, मुझे ये बताओ कि मैंने पहना क्या था? क्या पहना था मैंने? सर आपको याद होगा, मैं हंसा भी था वो ड्रेस देखकर। वो कॉस्ट्यूम पहने हुए थे आप, वो लंबा वाला गाउन, वो दो दो सांप, वो लंबे बाल और वो गाल जला हुआ। गाल जला? माय गॉड परेश, ये तो शेरा शूटिंग में पहुंच गया। तुम ऐसा करो कि गाड़ी निकलवा जाओ, जाओ चलो। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, आप रेस्ट कीजिए। देखो मेरी तबीयत तो कुछ नहीं हुआ है, तुम गाड़ी निकलवाओ, हम शूटिंग में जा रहे हैं, जाओ परेश। माय गॉड शेरा। अरे भाई, ये आपने बेगम क्यों उतार दिया? अरे अभी तो एक शॉट बाकी है। और ये गन, ये प्रोडक्शन का तो नहीं लगता, इसलिए क्या? जेड़े भाई, आपने सुबह किसके शॉट लिए? किसके लिए आपने? किसके शॉट लिए? अरे क्या कह रहे हैं आप? आप ही के तो शॉट लिए हैं। वो टॉर्चर वाला सीक्वेंस किया है, वो इंटरोगेशन वाला सीक्वेंस किया है, और फिर एक शॉट बाकी था, हम सब उसकी तैयारी कर रहे थे, और आप मेकअप रूम में बैठे थे। मेकअप रूम कहाँ है? मेकअप रूम कहाँ है? आप मजाक कर रहे हैं क्या? मेकअप रूम आप पूछ रहे हैं? आप वही तो बैठे थे। मैं पूछता हूं मेकअप रूम कहां है डेरिया भाई? अरे वो 12 नंबर। क्या हो गया इनको? जब तक मेकअप में थे तब तक नॉर्मल थे, मेकअप उतारते ही कुछ हो। कहीं इस बीच पी तो नहीं ली इन्होंने? शेरा, तुमने सोचा नहीं होगा ना कि हमारी मुलाकात इस तरह से हो जाएगी? अब तक तो शिकारी था और मैं शिकार, लेकिन अब मैं शिकारी हूं और तेरा शिकार करूंगा। तुम उससे होशियार होगा, चालाक होगा, लेकिन ये मत भूल कि तुझे बुलाया किसने। मैं तुझसे ज्यादा होशियार हूं। हो गई बात पूरी? रूप कुमार जी को देखा आपने? या परेश, हाँ तुम उनके सेक्रेटरी हो ना? यस यस। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, फिर दिन में पी के आ गए। अरे शॉट बाकी था, अच्छा वाला मेकअप उतार के रख दिया, अब तुम मुझसे पूछ रहे हैं कि मेकअप रूम कहाँ है? यार ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं, ये वो बात नहीं है दिलिया साहब, ये कोई और चक्कर है। ये इस पिस्तौल में गोलियां भरी है शेरा, अब तो बच के कहीं नहीं जा सकता। एक गोली तेरे सीने में दाग दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे मैं। हंस ले, अब तेरा वक्त आ गया है। अरे तो चला गोली, दुख क्यों गया? ये गोलियों की आवाज कहां से आई? मर गया साला, छूट गया मैं। तुमने क्या सोचा? तुमने मुझे मार दिया है? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? इतना आसान नहीं है मुझे। इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल। तुम कहते हो तुम इससे ज्यादा होशियार हो, मुझ पर तुम्हारी गोलियों का असर नहीं होगा, क्योंकि मैं जिंदा आदमी नहीं हूं। नहीं शरफ, मैं तो सिर्फ तुम मेरा कुछ नहीं करोगे, रोल हूँ रोल, लेकिन तुम तो जिंदा आदमी हार्ड मास के बने हो, जिसे ये कुल्हाड़ी आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकती है। बहुत जल्दी थी ना मरने की, अरे गोलियां चल रही थी, अंदर हो क्या रहा है, ये खोलते क्यों नहीं? रूप जी, रूप जी दरवाजा खोलिए, रूप जी, रूप जी दरवाजा खोलिए। रूप जी आप ठीक तो है ना? सर हमने गोलियों की आवाज सुनी सर, पर वो कुछ नहीं था, मैंने ब्लैंक कार्ट्रिजेस भर रखे थे, उन्हें चेक कर रहा था। तुम जाओ। सर शॉट रेडी है, आज की शूटिंग कैंसल। रूप भाई आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पूरी की पूरी शिफ्ट पड़ी है, सब तैयारी हो चुकी है, आप रोल मांगने आए थे हमसे। मैंने कहा बैकअप मतलब बैकअप। परेश सर, परेश तुम घर जाओ। सर ये क्या है सर, लौट घर जाइए। नहीं साहब चले जाना। देख रहे हो ना तुम? सरकार सरकार पीछे हो गया, बिल्कुल लाश कहां है? ऐसी जगह जहां किसी को मिलेगी नहीं। कहां? नदी में। बहुत अच्छे, रूप कुमार को उसके घमंड की सजा मिल गई, मेरा अपमान करने चला था। शेरा तेरा काम खत्म हुआ, शेरा तेरी अब जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मैं यहां रहना चाहता हूं मालिक। शेरा तूने अपने काम को अंजाम दिया। हाँ मालिक, अब तेरा समय पूरा हो चुका है। मैं नहीं जाना चाहता हूं। शेरा तुझे जाना ही होगा। नहीं, तुझे जाना होगा शेरा। नहीं मैं आपका गुलाम हूं। नहीं मालिक, मैं आपका गुलाम हूं। माफ करना मालिक, मुझे यह करना पड़ा। आप भूल गए कि मैं 100% विलन हूं, मेरा कोई ईमान नहीं, धर्म नहीं। मैं यहां रहना चाहता था, मुझे यहां की जिंदगी पसंद है, मैं यही रहूंगा रूप कुमार बनके। आलिशान बंगला है, गाड़ी है, ऐश करूंगा ऐश। वो तो एक टटपुंजिया सा विलन बनना चाहता था, अब मैं दुनिया को बताऊंगा विलन। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।